नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एल्गो क्रैब के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण राणा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैराबोलिक SAR के इंडिकेटर के बारे में। जानेंगे कि इंडिकेटर किस तरीके से काम करता है और इसको किस तरीके से यूज़ करना है अपनी ट्रेडिंग में, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि अगर आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करके किस तरीके से आप ऑटोमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हैं पैराबोलिक SAR के इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पैराबोलिक SAR जो है, SAR, पैराबोलिक SAR बोलता है कोई, SAR बोलता है कोई, कुछ बोलता है, तो उस इंडिकेटर के जो इन्वेंटर हैं उनका नाम है जॉन वेल्स वाइल्डर जूनियर। अब मालूम नहीं मैंने उनका नाम अच्छे से प्रोनाउंस किया या नहीं, बट उन्होंने इसके अलावा भी दो तीन इंडिकेटर और बनाए हैं, जैसे कि ATR और आपका RSI, ADX, ये सब इंडिकेटर के इन्वेंटर एक ही हैं, जिनका नाम है वेल्स वाइल्डर जूनियर। ठीक है, जॉन वेल्स वाइल्डर जूनियर। तो इंडिकेटर के बारे में जानते हैं, तो इंडिकेटर में क्या है कि उसमें पैराबोला की इक्वेशन लगी है, इसके लिए उसको नाम ही दिया है पैराबोलिक SAR। ठीक है, अब इंडिकेटर में डॉट्स होती हैं, सिर्फ आप डॉट्स होती हैं, कुछ प्राइस के नीचे होती हैं तो कुछ प्राइस के ऊपर होती हैं। प्राइस के नीचे ऊपर मतलब जो कैंडल्स बनती हैं। ठीक है, कुछ पैराबोलिक की डॉट्स जो होंगी वो कैंडल के नीचे आपको दिखाई देंगी, वहीं कुछ डॉट्स आपको कैंडल के ऊपर दिखाई देंगे। अगर तो कैंडल के नीचे डॉट्स हैं, इसका मतलब एक परफेक्ट बुलिश ट्रेंड है और आप बाय में बैठ सकते हैं, और अगर ये पैराबोलिक की डॉट्स कैंडल के ऊपर हैं तो इसका मतलब कि अभी सेलिंग का ट्रेंड है और आप सेलिंग में बैठ सकते हैं। तो इस तरीके से इस इंडिकेटर को यूज़ किया जाता है। कुछ लोग इसको नॉर्मल इंडिकेटर की तरह यूज़ करते हैं, यानी कि सिग्नल्स लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं, वहीं कुछ लोग इसको अदर इंडिकेटर्स के साथ यूज़ करते हैं एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यानी कि एंट्री किसी और इंडिकेटर से और एग्जिट इस पर्टिकुलर इंडिकेटर से, क्योंकि ये साथ ही साथ हर कैंडल के बाद एक डॉट बनाता चलता है, और अगर कैंडल बुलिश है तो डॉट ऊपर की साइड बनता है, इससे कि ट्रेल होता रहता है प्राइस, तो एंट्री जहाँ पर आपने ली है उससे ऊपर जाके आपका स्टॉप लॉस कटता है, यानी कि उसमें प्रॉफिट होता है जब वो ट्रेंड रिवर्स करता है। ठीक है, ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस इंडिकेटर को हमारे प्लेटफॉर्म के साथ किस तरीके से यूज़ करना है। उसके लिए मुझे आपको अपनी चार्ट की स्क्रीन पर ले जाना होगा, लेकिन अपनी चार्ट की स्क्रीन पर ले जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहली बार हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालते हैं और आपके लाइक्स, कॉमेंट्स और सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है अगले अगले नए नए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। शायद आपने कर दिया होगा सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि बेल आइकन को दबाने से आपको हमारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं चार्ट की तरफ, और चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पैराबोलिक SAR इंडिकेटर दिखता है और ऑटोमेटिक ट्रेडिंग के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस कंप्लीट करने होंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है, 12 से 15 मिनट तक जाएगा, तो आप बिल्कुल पेशेंस के साथ वीडियो को देखिएगा, क्योंकि एक एक चीज़ अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको एल्गो ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा टेक्निकल होता है, तो आपको अगर आप पूरा वीडियो ढंग से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए अब चार्ट में चलते हैं। तो दोस्तों, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये है पैराबोलिक SAR का इंडिकेटर। ठीक है, यहाँ पर मैंने जो प्लेटफॉर्म यूज़ किया है वो है MetaTrader 4। अगर आप MetaTrader 4 का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, यानी कि MT4 यूज़ करते हैं, तो आपको ये यहाँ पर इंडिकेटर्स के सेक्शन में, जब आप ट्रेंड के सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर पैराबोलिक SAR करके इंडिकेटर मिलेगा। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हो, और टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो इस इंडिकेटर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको मिल जाते हैं कि ये जो डॉटेड आप देख रहे हो ना, किस तरह से डॉट्स जो बनते हैं, ये डॉट आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करते हैं। ऐसे सुपर ट्रेंड में भी कुछ इस तरीके की लाइंस आती हैं, लेकिन इसमें डॉटेड डॉटेड ये हर कैंडल पे एक डॉट आता है और उस डॉट की एक वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू के ऊपर जब प्राइस जाके क्लोज होता है तो आपका चेंज हो जाता है, ये जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है, और उसके बाद आपको यहाँ पर डॉट्स जो होती हैं वो नीचे दिखाई देने लग जाती हैं। तो बेसिकली अगर मैं इसके इनपुट्स की बात करूं तो पैराबोलिक SAR के जो इनपुट्स हैं वो यहाँ पर स्टेप्स और मैक्सिमम है, यानी कि कितने स्टेप्स के बाद क्या क्या मूव करना है वो सब उसकी सेटिंग है यहाँ पे। कलर इसके आप चेंज कर सकते हो, जैसे लाल करना है इसको हरे को तो लाल कर सकते हो। विजुअलाइजेशन में आप जाओगे कौन कौन से टाइम फ्रेम पर दिखाना है ये सब करना, तो अब जैसे मैंने इसको लाल कर दिया तो ये लाल हो गया। ठीक है, और भी आप इसमें चीज़ें कर सकते हो, जैसे इसकी जो थिकनेस है उसको आप इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसे बड़ा करना है तो इसको ऐसे बड़ा कर सकते हो।
अभी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो इस इंडिकेटर पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप कैसे यूज़ करोगे हमारे प्लेटफॉर्म को और कैसे यूज़ करोगे एल्गो ट्रेडिंग के लिए इसको, तो उसके बारे में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। प्लेटफॉर्म है ये algocrab.com। जैसे ही आप algocrab.com पे जाएंगे तो आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आपके पास अभी कोई ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पर एलिस ब्लू का ट्रेडिंग अकाउंट करने का ऑप्शन है, देखिए आपने यहाँ पर लिखा है ओपन एंड न्यू अकाउंट विद एलिस ब्लू। तो अगर आप एलिस ब्लू के साथ ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आपको हमारे सब्सक्रिप्शन पर 20% का डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ब्रोकरेज की बात करें तो यहाँ पर अभी मैंने इसको अपडेट नहीं किया है, ये पुराना प्राइस लिखा है। अभी ये जो ब्रोकरेज देते हैं वो शायद ₹15 पर ऑर्डर आपकी ब्रोकरेज देते हैं। अकाउंट ओपनिंग इनका कुछ है नहीं, ₹450 इनका ईयरली AMC है। और एल्गो ट्रेडिंग के लिए API फ्री देते हैं, ये सबसे अच्छी बात है कि एल्गो ट्रेडिंग के लिए API फ्री देने लगे हैं आजकल बहुत सारे ब्रोकर। जीरोधा और अपस्टॉक्स और कुछ ब्रोकर्स हैं जो अभी चार्जेस लेते हैं हमसे, पैसे लेते हैं API देने के लिए मंथली। बट यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं डिस्काउंट ब्रोकिंग में जो चार्जेस नहीं लेते, और वो आपको ब्रोकरेज भी कम लेते हैं और अदर चार्जेस भी कम लेते हैं। और प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो सिमिलर टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स आपको वहां पर देखने को मिल जाते हैं। उन्हीं में से एक है एलिस ब्लू। अगर आपके पास एलिस ब्लू का अकाउंट नहीं है तो आप खुलवा सकते हो। खुलवाने के लिए आप अवेल दिस ऑफर पर क्लिक करोगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही साथ आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से भी लिंक ले सकते हो। अब हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो सबसे पहले आपको साइन अप करना है, ये मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ तो इसको मैं बहुत जल्दी से बताऊंगा। साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए यहाँ पर जब आप साइन अप करेंगे तो जो भी डिटेल डालेंगे वो डिटेल यहाँ पर डाल के आपको पासवर्ड डाल के ओके कर देना। ओके करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, ऑथेंटिकेशन में जाना है। अगर आपका ब्रोकर एलिस ब्लू है तो आपको यहाँ पे एलिस ब्लू सिलेक्ट करना है। कोई और ब्रोकर है तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर्स का ऑप्शन है, जो भी आपका ब्रोकर है वो सिलेक्ट करो और यहाँ पर डिटेल डालो, अपडेट करो। अपडेट करने के बाद क्रेडेंशियल्स अपडेट हो जाती हैं। उसके बाद आपको गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करना है। गेट एक्सेस टोकन पर क्लिक करने से ये आपको वेबसाइट पर ले जाएगा एलिस ब्लू की। वहाँ पर आपको अपनी डिटेल डालनी है, जैसे मैंने अपनी आईडी डाली। उसके बाद मुझे नेक्स्ट आया पासवर्ड डालना है। अब मैंने यहाँ पे अपना पासवर्ड डाला, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद ये मुझसे मांग रहा है ईयर ऑफ बर्थ, ठीक है। अब मैंने वो भी डाला और उसके बाद मैंने लॉगिन किया। अगर मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया तो वापस मुझे ये लाकर मेरी वेबसाइट पर ही छोड़ देगा। अगर मुझे मेरी वेबसाइट पर वापस ला कर छोड़ता है, इसका मतलब मुझे टोकन मिल गया। एक्सेस टोकन के लिए चेक करने के लिए ऑथेंटिकेशन में जाके वैलिडेट टोकन पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट टोकन में आ रहा है टोकन इज वैलिड। ये प्रोसेस है आपका ब्रोकर का अकाउंट और आपका एल्गो क्रैब का यानी कि एल्गो का अकाउंट लिंक करने का। ये प्रोसेस आपको डेली करना होगा 8 बजे से 9 बजे के बीच में। आपको सुबह सुबह आना है, चाहे तो आप डेस्कटॉप से कर सकते हो, चाहे तो आप मोबाइल ऐप से कर सकते हो। एल्गो क्रैब की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो और वहां पर डेली आपको ऑथेंटिकेशन में जाके गेट एक्सेस टोकन करना है, और ये काम आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच में करना है। अगर आपने ये काम सुबह 6 बजे कर दिया, 7 बजे कर दिया, तो कई बार टोकन एक्सपायर हो जाता है और आपका ट्रेड नहीं होगा। तो ये चीज़ मैं आपको पहले से बताता चलूँ कि आपको 8 बजे से 9 बजे के बीच में ही ये काम करना है, ताकि आपको 100% श्योरिटी रहे कि आपका टोकन पूरा दिन वैलिड रहेगा। टोकन वैलिडेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाता है और आपको टोकन मिल जाता है ब्रोकर की साइड से। अब हम ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए सक्षम हैं। अब हमारा अगला काम होगा इंडिकेटर को इंस्टॉल करना। पैराबॉलिक SAR का जो इंडिकेटर है वो इंडिकेटर हमें हमारी वेबसाइट से कैसे मिलेगा, क्योंकि जो आपको अभी ये इंडिकेटर मैंने चार्ट में दिखाया था, ये वाला इंडिकेटर बेसिक इंडिकेटर है, कॉमन इंडिकेटर है, जिसमें कि आपको कोई अलर्ट नहीं मिलता, कोई एरो नहीं मिलता, कोई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। लेकिन जो हम आपको अभी हमारे प्लेटफॉर्म पे देंगे उसमें आपको काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि वो एक कस्टम इंडिकेटर है। हमने उसमें कोडिंग की है और उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया है, थोड़ा ब्यूटीफाई किया है, ताकि आप प्रॉपरली उसको इस्तेमाल कर पाएं, ठीक है। यहाँ पर अब ब्रिज टूल पे जाना है आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे, और उसके बाद आपको जाना है मार्केट प्लेस में। जब आप मार्केट प्लेस में जाएंगे आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेंगे RSI इंडिकेटर, पैराबोलिक इंडिकेटर। तो पैराबोलिक जैसे हमें चाहिए तो हम इसमें डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड करने से यहाँ पर एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और फिर हमें शो इन फोल्डर में जाकर उस फाइल को कॉपी कर लेना है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि MT4 में इंडिकेटर किसे कैसे लगाना है। तो ये बहुत आसान प्रोसेस है, समझ लो इसको। आप फाइल में जाना है, आपने ओपन डेटा फोल्डर में जाना है, MQL4 में जाना है, इंडिकेटर्स में जाना है, और यहाँ पर आप चाहें तो नया फोल्डर बना के उसमें पेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको ध्यान रहे, बार बार ढूंढना ना पड़े। आप चाहें तो डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हो, मैं इसको डायरेक्ट पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये पेस्ट कर दिया यहाँ पे PSR।
अब क्या है कि अगर मैं यहाँ पर अपने इंडिकेटर की विंडो में देखूंगा तो मुझे ये दिखाई नहीं देगा अभी इन हाल फिलहाल में, क्योंकि मुझे इसके लिए राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना होगा। मैं जैसे रिफ्रेश करूँगा उसके बाद ये इंडिकेटर मुझे यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, MT4 अगर आपसे इंस्टॉल नहीं हो रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो हाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप फ़ोन कर लीजिए। हम लोग 9:30 से 5:30 के बीच अवेलेबल होते हैं सुबह से शाम तक। आप हमें कॉल कर सकते हो, हम खुद से आपका इंस्टॉलेशन करके दे देंगे, आपको जहमत उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपको आता है खुद से करना तो आप खुद से कर सकते हो। MT4 इंस्टॉल करने के लिए आप एल्गोक्रैब में जा सकते हो, डाउनलोड का बटन दिया हुआ है, डाउनलोड में MT4 है, इसको डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो, इंस्टॉल हो जाता है। ID पासवर्ड के लिए फिर से आपको हमारे DOA नंबर्स पर कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो थी बात कि किस तरीके से MT4 का इंडिकेटर इंस्टॉल होगा। अब इसको अप्लाई करने का तरीका सीख लो। यहाँ पर आपने डबल क्लिक किया, यहाँ पर इंडिकेटर के इनपुट्स आ रहे हैं। सबसे ऊपर के जो इनपुट्स होते हैं, मैं हर बार हर वीडियो में बताता हूँ, वो एल्गोक्रैब के इनपुट्स हैं। एल्गोक्रैब का ID और पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, उसके बाद ये PSR के जो पैरामीटर्स हमने वहाँ पे दिखाए थे, वही पैरामीटर्स यहाँ पर लगे हुए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्राडे ट्रू और फॉल्स। अगर आपको ट्रेडिंग करनी है इंट्राडे तो आप ट्रू कर सकते हो। तो क्या होगा, MIS की जो पोजीशन क्लोज होती है, अगर आपने इसको ट्रू किया है तो क्या होगा, जब MIS की जब पोजीशन क्लोज होती है उस वक्त पे आपकी पोजीशन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, आपको मैनुअल से नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर आप स्टार्ट टाइम और एंड टाइम डाल सकते हो कि किस टाइम से लेके किस टाइम तक अगर सिग्नल आता है तो मेरा ट्रेड हो, किस टाइम के बाद ना हो। ठीक है, ट्रेड मेथड मेट्रो है। मेट्रो का मतलब दोनों साइड की ट्रेड, बाय आएगा तो बाय लेना, सेल आएगा तो सेल लेना, यानी कि बाय आएगा तो बाय, सेल आएगा तो बाय क्लोज और सेल की पोजीशन बना देगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो भी नहीं मार्केट आज बुलिश ही रहेगी, मैं तो बाय ओनली बाय करूंगा, तो ओनली बाय पे क्लिक कर सकते हो। आप सेल करोगे तो ओनली सेल पे क्लिक कर सकते हो। तो उसके बाद क्या करेगा, सिर्फ बाय के सिग्नल लेगा या फिर सिर्फ सेल के सिग्नल लेगा। जब रिवर्स पोजीशन होगी, यानी कि सेल अगर आपने ओनली बाय किया है तो अगर सेल का सिग्नल आएगा तो पोजीशन क्लोज कर देगा, लेकिन नई पोजीशन नहीं बनाएगा, सिर्फ बाय की सिग्नल आने पर ही पोजीशन बनाएगा। उसके बाद ये स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ऑन कर सकते हो। इसको ट्रू करोगे तो आपका स्टॉप लॉस एनेबल हो जाएगा। स्टॉप लॉस में आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, नॉर्मल, ट्रेलिंग और ब्रेक इवन। जो लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के पॉइंट डालने हैं आपने, अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करना है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के स्टेप्स डालने हैं। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि ट्रेलिंग के जो स्टेप्स हैं वो हमेशा स्टॉप लॉस से ज्यादा होना चाहिए, यानी कि अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50 पॉइंट है तो ट्रेलिंग स्टेप 60 पॉइंट होना चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए कभी भी। कम होगा तो आपका ट्रेलिंग काम नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट लॉजिकल नहीं रहेगा और आपका ट्रेड तुरंत कट जाएगा। फिर आप कहोगे कि हमारा ट्रेड अपने आप कट गया बिना स्टॉप लॉस आए, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर रहे हो तो ट्रेलिंग की वैल्यू स्टॉप लॉस की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा ज़्यादा होनी चाहिए। टारगेट का ऑप्शन है, टारगेट को आप ट्रू करोगे तो टारगेट ट्रू हो जाएगा और फिर आप टारगेट लगा सकते हो। अगर इसको फॉल्स रखते हो तो ये टारगेट नहीं लेगा, एरो टू एरो, रिवर्स टू रिवर्स चलता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर टारगेट के पॉइंट्स का ऑप्शन है, उसके बाद आपका अलर्ट का ऑप्शन है, उसके बाद रीएंट्री करने का ऑप्शन है। रीएंट्री का मतलब होता है एक साइड में दोबारा से एंट्री आना, बाय के बाद दोबारा से बाय आना, उसको रीएंट्री बोलते हैं। वो तो कब आएगा, जब आप यहाँ पर ओनली बाय सिलेक्ट करोगे। अगर आप ओनली बाय सिलेक्ट करोगे तो बाय के बाद जब बाय आएगा उसको लेने के लिए आपको रीएंट्री को ट्रू करना होगा। नीचे के जितने भी ऑप्शन हैं वो API ट्रेडिंग के बारे में, यानी कि एल्गो ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो इसको ऑन करना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा। यूजर की इंस्ट्रूमेंट की डालनी पड़ेगी, वो मैं आगे आपको डाल के दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं इंडिकेटर को अप्लाई करता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से ये दिखता है और क्या क्या चीज़ें इसमें दिखाई देंगी आपको। ये मैंने अपनी एल्गो क्रैब की डिटेल डाली है, आपको अपनी एल्गो क्रैब की डिटेल डालनी है। ठीक है, मेरी डिटेल नहीं डालनी है आपको। ये मैंने इसको किया ओके। अब यहाँ पे मैंने जब इसको ओके किया तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ पे से ये डी डॉट नीचे आ रहा था वहाँ पे बाय का सिग्नल दिख रहा है, जहाँ जहाँ से ऊपर आया था वहाँ पे आपको सेल का सिग्नल दिख रहा है। ठीक है, प्रॉफिट की बात करूँ तो ये बता रहा है कि टोटल 443 ट्रेड्स में आपको 5014 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ, यानी कि एक ट्रेड में एवरेज 11 से 12 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट हुआ। ये है कि भाई कितने टाइम फ्रेम के हिसाब से आप इसको लगा रहे हो, उस हिसाब से ये सेटिंग है। ठीक है, कम टाइम फ्रेम करोगे अलग से प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, ज़्यादा करोगे, जैसे मैं अब यहाँ पे चेंज करके जाता हूँ 5 मिनट करा तो 5 मिनट में 1000 सिग्नल में आपका 4635 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिखा रहा है। वहीं अगर मैं इसको 30 मिनट्स करूँगा तो ये मुझे 200 ट्रेड्स में 2900 समथिंग 10 पॉइंट के आसपास का ही प्रॉफिट यहाँ पे भी दिखा रहा है। लेकिन आप इसको और अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से ले सकते हो, जबकि आप इसमें स्टॉप लॉस और टारगेट लगाओगे तो वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी वगैरह में फ़र्क पड़ेगा, अब वो आपको अच्छे से दिखाई देगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर इस इंडिकेटर को आपको ऑटोमेटिक के लिए यूज़ करना है, यानी कि आपको यूज़ करना है कि जब भी इसमें सिग्नल आए मेरा ऑटोमेटिक ट्रेड हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, तो वो प्रोसेस दोस्तों बहुत ही आसान है। आपको एल्गो क्रैब में जाना है। अब क्योंकि आपका 2-3 प्रोसेस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, देखो आपका एल्गो से लिंक हो गया,
आपका ट्रेडिंग अकाउंट हमारे प्लेटफॉर्म से लिंक हो गया, MT4 में आपने इंडिकेटर इंस्टॉल कर लिया। MT4 में एक छोटी सेटिंग और कर लेना, टूल में जाके ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पर ये अलाउड DLL जरूर कर लेना, ये नहीं किया तो आपका ट्रेड नहीं होगा, ठीक है। एक्सपर्ट्स के टैब में मिलता है अलाउड DLL, इस पर क्लिक करना, ओके कर लेना, बस इतना ही काम ज्यादा करना है आपको। अब क्या हो गया, आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म भी कैपेबल हो गया सिग्नल सेंड करने के लिए एल्गो क्रैब को। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों के बीच में एक ब्रिज करना है। ब्रिज कैसे करेंगे आप जाएंगे MT4 ब्रिज पे, ठीक है। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ऑप्शन ब्रिज पे भी जा सकते हैं, ऑप्शन ब्रिज के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा, यहाँ पर मैं नॉर्मल ब्रिज के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर देखो एक सिंबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, निफ्टी 22 सितंबर का एक कॉन्ट्रैक्ट है, वो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, नया ही कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपने अलाइस ब्लू का अकाउंट लिंक कर लिया ना, तो अभी अलाइस के सिंबल की लिस्ट दिखाएगा आपको। अब आपको क्रिएटर सिंबल पर क्लिक करना है, जैसे आप क्रिएट सिंबल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने लिखना है निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। ये सारे निफ्टी फ्यूचर आ गए, निफ्टी सितंबर फ्यूचर सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है, ओके सेव चेंजेस। अब ये आपको दो डिटेल दे रहा है, एक यूजर की इंस्ट्रूमेंट की, ये आपको जाके अपने इंडिकेटर में डाल देनी है और उसको ओके कर देना, और यहाँ से आके बाद में स्टार्ट कर देना। जैसे यहाँ पे मैं अभी आ गया, इसको कॉपी किया मैंने, अब इंडिकेटर में गया, राइट क्लिक करके इंडिकेटर लिस्ट पे गए, और उसके बाद यहाँ पे आपने इसको डाल दिया, और पहले आपको उसको ट्रू भी करना है, ठीक है। एल्गो ट्रेडिंग को ट्रू करना है, एल्गो ट्रेडिंग ट्रू करके यूजर की आपने यहाँ पे डाल दी, इंस्ट्रूमेंट की आपको फिर यहाँ से मिलेगी, इसको आपने डाल दिया यहाँ से, और इसको यहाँ पे आपने पेस्ट कर दिया। अब आपको क्वांटिटी डालनी है, नीचे क्वांटिटी का ऑप्शन है, 50, 100, 150, 200, इस मल्टीपल में आप डालोगे। 50 डाल के ओके कर दिया, अब इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब ये हो गया, यहाँ पे आगे चालू हो गया। अब चालू हो गया तो अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब आपको यहाँ पे ये करना है कि एक जो यहाँ पे आप जाएंगे ना, ये स्टार्ट का बटन, ये बस प्रेस कर देना है। अब जब भी सिग्नल बनेगा इस पर्टिकुलर सिंबल के अंदर, आपका ट्रेड ऑटोमेटिकली आपके प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे चला जाएगा, और ट्रेड अपने आप हो जाएगा। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो स्लिपेज बचेगी, जितना आप इस यहाँ पे से देख के वहाँ जाके ट्रेड करते वो बचेगा, दूसरा आपका टाइम बचेगा, पूरा दिन आपको स्क्रीन के सामने बैठ के नहीं रहना है। आपको क्या करना है, जैसे ही कोई सिग्नल बना आपका ट्रेड हुआ, उसके बाद बस सीधा सीधा खत्म। तो दोस्तों ये था किस तरीके से आप पैराबोलिक सार को यूज़ कर सकते हो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, बताइए मुझे क्या कमियाँ रहीं और क्या क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग दोस्तों।